सकते हैं भला, कि एक तो क्लास नेम ऐड कर सकता हूँ मैं, कि जी बनी हुई कोई क्लास है, CSS की ही क्लास है, मैं क्लास नेम ऐड कर दूँ किसी में, या मैं डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज करके डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। तो क्लास को ऐड करना, क्लास को रिमूव करना, किसी स्टाइल को एक्सप्लिसिटली ऐड करना एक्सप्लिसिटली, दोनों काम यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। क्लास एंड किया, समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। हाँ नहीं, क्या कह रहे हो कि जो क्लास CSS में है वो जावा स्क्रिप्ट से आके चेंज करी तो चेंज होगी? हाँ होगी। नहीं देखो, पहले तो क्लास को समझो ना, क्लास CSS में बनी हुई है, फिक्स है, क्लास जो है वो CSS में बनी हुई है। आप उस क्लास का नाम किसी एलिमेंट पे लगा रहे हो, बगैर जावा स्क्रिप्ट के ये काम कैसे होता है? एज अ एट्रीब्यूट आप उस पर लगा देते, तो वो एट्रीब्यूट लगाने का प्रोसेस ये है। एट्रीब्यूट लगा भी सकते हो आप, एट्रीब्यूट हटा भी सकते हो, तो ये है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि CSS की क्लास क्रिएट करना हो जाता होगा, वो भी जावास्क्रिप्ट में, बुक में जिक्र नहीं किया हुआ कि जी CSS में क्लास सिर्फ क्रिएट हो जाए, अप्लाई नहीं हो किसी पर, जस्ट क्रिएट हो जाए, वो काम भी हो जाता होगा ऑब्वियसली, इसमें बना हुआ नहीं है। लेकिन अभी जो ये बात कर रहा है, अभी ये कह रहा है CSS में एक क्लास बनी हुई है, फिक्स है, चार छः स्टाइल उसमें लगा हुआ है, वो CSS के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, या CSS की बनी हुई क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, ये जस्ट उस क्लास को उठा के एक एलिमेंट पे अप्लाई कर रहा है, ये वो काम किया इसने। अच्छा, तो ये एलिमेंट पे जब आप अप्लाई करोगे हो जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उस CSS की क्लास में जो कुछ होगा वो अप्लाई हो जाएगा सम हाउ, अगर इन फ्यूचर वो CSS की क्लास चेंज होती है तो भी इस पर रिफ्लेक्ट होगा, और क्लास को रिमूव भी कर सकते हो आप, ठीक है, समझ आया ये वाला? हाँ, जैसे ये बिग के नाम से ना, एक बिग के नाम से क्लास बनी हुई होगी ना CSS में, जब भी इसका इम्पैक्ट आएगा। दोस्त ने सवाल किया कि जी अगर मैंने कोई ऐसा क्लास का नेम ऐड कर दिया जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो क्लास CSS में मौजूद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा? हाँ हाँ नहीं, अगर तुम वैसे अगर HTML में बगैर जावास्क्रिप्ट के अगर HTML में तुम ये काम करो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो उस क्लास मतलब देखो, HTML के अंदर ना एरर नहीं आते, ठीक है। HTML के अंदर जो चीज़ समझ आती है उसको कर देता है, जो नहीं आती उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर आपने कोई ऐसी क्लास HTML लिखते हुए आपने कोई ऐसी क्लास लगा दी H1 पे जो एग्जिस्ट नहीं करती CSS की फाइल में, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो इसी तरह JavaScript के ज़रिए भी आप जब सेम काम करोगे ना, JavaScript के ज़रिए भी आप एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है, और वो उस यानी क्लास का जो एट्रीब्यूट आपने ऐड किया वो क्लास CSS में मौजूद नहीं है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर जैसे ही वो CSS की क्लास बनेगी तो उसका इम्पैक्ट फ़ौरन आ भी जाएगा, ये भी बात है। CSS में क्लास होना ज़रूरी है इम्पैक्ट आने के लिए, ठीक है, वैसे अगर नहीं भी हो तो एरर नहीं आता, ठीक है जी। स्टाइल डॉट CSS फ्लोट लेफ्ट, स्टाइल डॉट विजिबिलिटी हिडन, स्टाइल डॉट मार्जिन, ये तीन चार अलग अलग तरह के स्टाइल इसने लगा कर यहाँ पे दिखा दिया है कि जी इस तरह से होता है ये। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे आप, दोस्त ने असल में सवाल ये किया कि ये हम करेंगे कब, यही तुम्हारा सवाल है ना, कि ये जब CSS के ज़रिए सारे काम होता है तो जावास्क्रिप्ट का जो अभी तरीका है इन्होंने बताया बुक में कि जी ऐसे जावास्क्रिप्ट से भी स्टाइलिंग चेंज हो सकती है, तो क्या हम क्या अब ये करेंगे कि CSS नहीं लिखेंगे, सारा काम जावास्क्रिप्ट से करना शुरू कर दें, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये वाला काम जब करेंगे जब हम प्रोग्रामेटिकली कोई काम करवाना है, ठीक है, हमें प्रोग्रामेटिकली या हमें कंडीशन चेक करके कंडीशनली कोई काम कराना है, या लॉजिक चेक करके हमें लॉजिकली कोई काम कराना है, जब हम ये करेंगे जी। मिसाल के तौर पर पेज लोड हुआ, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दिन के कितने बज रहे हैं, सिस्टम टाइम उठाता हूँ मैं कहता हूँ जी सिस्टम के टाइम में अगर सुबह का वक्त है तो लाइट मोड लगा दो, अगर रात का वक्त है तो डार्क मोड लगा दो। तो ये जो CSS की स्टाइलिंग चेंज करूँगा ना, अब मैं ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करूँगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है कि जी। अगर जो सामने से आपने वेबसाइट आपकी लोड हुई
एपीआई कॉल हुई एक वेदर की, सामने से रिजल्ट आया कि उसमें अगर रेनिंग लिखा हुआ रहा है तो आपने एक मुख्तलिफ इमेज शो करानी है, अगर उसमें क्लाउड लिखा है तो एक मुख्तलिफ इमेज शो करानी है। तो ये है तो सीएसएस का काम, ये है तो एट्रीब्यूट्स का काम कि जी एक एलिमेंट को छुपा दूं मैं दूसरे को दिखा दूं, लेकिन ये काम अब मुझे जावास्क्रिप्ट से करना होगा क्योंकि मैं ये लॉजिकली कर रहा हूँ, ये मैं चेक करके कर रहा हूँ कंडीशनली कि जी अगर ये आए तो ऐसे करो, अगर ये नहीं आए तो ऐसे कर दो। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। ये वाली बात जो इन्होंने लिखी है, कोई बता पाएगा कि ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है अगर किसी ने बुक पढ़ ली है पहले से तो? मतलब ये हो क्या रहा है, इस लाइन में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग कि जी गेट कंप्यूटेड स्टाइल, इस एम, इस वेरिएबल एम में क्या चला जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें जी, एक तो ये होता है ना जी कि आपने स्टाइल सेट करवाना है कि आपने बोला भाई फला फला पिक्चर डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन 10 पिक्सल, ये तो आपने कर दिया। बट आपके पास क्या हो सकता है, कभी कभी आपको, जैसे कि ये इन्होंने देखा मार्जिन सेट करवाया, कभी कभी आपको किसी एलिमेंट के स्टाइल को रीड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, एक तो सेट कर दिया जी 10 पिक्सल लगा दिया, हो गया, विजिबिलिटी हिडन कर दिया, हिडन हो गया। लेकिन अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जी अगर इस इमेज का अगर जो जो मार्जिन है राइट नाउ वो क्या 10 पिक्सल है या 10 से ज़्यादा है, और मैं इस बिहाफ पे कुछ करना चाह रहा हूँ कि जी अगर 10 पिक्सल है तो ये कर दो, अगर 10 से ज़्यादा है तो कुछ और करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कि जी किसी भी एलिमेंट पे क्या स्टाइल इस वक्त लगा हुआ है वो मुझे जानना है, अगर तो मैं इस तरह से जान सकता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा जी कि ये, अबे यार ये क्या बकवास है, वाईफाई वाई मिस हो गया दोबारा से। वेल तो हम ये कर सकते हैं कि गेट एलिमेंट बाई आईडी करके स्टाइल डॉट मार्जिन करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, जिस तरीके से सेट करवाते हैं ना उसी तरीके से गेट भी हो जाता है। और एक इन्होंने दूसरा भी तरीका नीचे बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल। ठीक है, ये तो ये दोनों बातें यहाँ पे मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, कभी ऐसी ज़रूरत पड़े आपको कि स्टाइल को रीड करना है कि राइट नाउ इसमें स्टाइल क्या है। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, किसी पिक्चर को हाइड और शो करवाते हैं आप, नहीं बैक एंड फोर्थ ना, हाइड एंड शो आप कई दफ़ा करवाते हैं उसको डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। तो किसी पॉइंट पे आपको ये जानना है कि यार अभी हाइड है कि शो है, तो आपको रीड करना पड़ेगा उसको। ठीक है,